स्पीति सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे दुर्गम और खूबसूरत इलाकों में से एक है। जितनी अमेजिंग स्पीति वैली है उतना ही अमेजिंग है स्पीति वैली तक पहुंचने का सफर। जैसे जैसे हम अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं, हम देखते हैं कि पहाड़ों के रंग भी कैसे बदलते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं इस खूबसूरत सफर पर। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीनन आपका कोई सवाल नहीं रहेगा। बस आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, खाना पीना, बजट और यहाँ आने के बेस्ट टाइम की। दोस्तों, हिमाचल में लाहौल स्पीति एक जिला है। इसमें लाहौल का प्रशासनिक केंद्र केलोंग है और स्पीति का काजा। स्पीति वैली विजिट करने के लिए हमें यहाँ के मेन टाउन काजा तक आना होता है। यहाँ तक आने के दो रास्ते हैं। पहला शिमला से रिकोंगपियो होके काजा और दूसरा मनाली से कुंजुम पास होके काजा। शिमला से काजा का डिस्टेंस लगभग 415 किलोमीटर है। मनाली से काजा का डिस्टेंस लगभग 180 किलोमीटर है। इसे हम एक राउंड ट्रिप में पूरा कर सकते हैं। शिमला वाली साइड से एंट्री लेकर मनाली वाली साइड से एग्जिट ले सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत तक बात करेंगे। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपनी यह ट्रिप करना चाहते हैं, तो शिमला से सुबह जल्दी HRTC की बस लेकर रात तक आप काजा पहुंच सकते हैं, या फिर शिमला से रिकोंगपियो की बस ले सकते हैं और रिकोंगपियो से काजा की बस ले सकते हैं। शिमला साइड से आप इस ट्रिप को अपनी कार या बाइक से करना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे आप रास्ते के अनेक पर्यटक स्थल घूम सकते हैं, जिसमें आपको शिमला से कुफरी, ठियोग, मटियाना, नारकंडा, कुमारसेन, रामपुर, झकरी, टपरी, करछम रूट फॉलो करना होता है और ये बहुत ही अच्छे टूरिस्ट पैलेस भी हैं। करछम से आप चाहें तो सांगला रक्षम होते हुए एक दिन हिंदुस्तान के आखिरी गांव चितकुल को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यदि चितकुल नहीं जाना चाहते तो करछम से रिकोंगपियो को साइड में छोड़ते हुए मुरंगपुह होते हुए पहुंचते हैं खाप संगम। यहां आप कुछ समय रुक सकते हैं। यहां स्पीति और सतलुज दोनों नदियों का सुंदर संगम पॉइंट है और यहां से शुरू होता है स्पीति नदी के सुंदर नजारों का साथ। और इन नजारों का आनंद लेते हुए आप पहुंचते हैं ताबो मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज रात आप यहीं होटल या होम स्टे लेकर आराम करें, जिसका किराया लगभग 800 से 1200 रुपए के बीच चार लोगों के लिए रहता है। सवेरे उठकर ताबो मॉनेस्ट्री विजिट करें और सुंदर प्राकृतिक ताबो केव्स देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ताबो से आप निकल जाएं धनकड़ मॉनेस्ट्री के लिए, जो कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। धनकड़ मॉनेस्ट्री अच्छे से विजिट करने के बाद हम निकलते हैं काजा के लिए, जो कि स्पीति वैली का मेन टाउन है, जिसका डिस्टेंस धनकड़ मॉनेस्ट्री से लगभग 30 किलोमीटर है। काजा पहुंचकर आप एक अच्छा सा होटल ले सकते हैं। बस स्टैंड के आसपास 1000 से 1200 रुपए में आराम से मिल जाता है। हमने चार लोगों के लिए 1000 रुपए में होटल लिया था और होटल में कुछ समय आराम करने के बाद आप काजा मार्केट घूम सकते हैं, काजा मॉनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। और मॉनेस्ट्री के सामने है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप। यहाँ आप कुछ फोटो क्लिक कर सकते हैं और रात में काजा मार्केट में वेज नॉन वेज जैसा भी आप चाहें भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, क्योंकि एलिवेशन ज़्यादा होने की वजह से नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि आप बस से काजा आए हैं तो आप अगले दिन यहाँ के टूरिस्ट पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 1000 रुपये तक वेरी करता है। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता करके हम निकलते हैं की मॉनेस्ट्री विजिट करने, जिसका डिस्टेंस काजा से 12 किलोमीटर के लगभग है। आप की विलेज में कुछ समय रुककर स्पीति वैली के लोगों का लाइफस्टाइल देख सकते हैं। की मॉनेस्ट्री पूरी स्पीति वैली की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। यहां से आपको पूरी स्पीति वैली का बहुत ही सुंदर लैंडस्केप देखने को मिलेगा। की मॉनेस्ट्री लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है तथा यह लामाज का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसके बाद अगली लोकेशन है चीचम ब्रिज, जिसका डिस्टेंस की मॉनेस्ट्री से लगभग 8 किलोमीटर है। चीचम ब्रिज पूरे एशिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। आप चीचम ब्रिज पर कुछ समय फोटो क्लिक करके कुछ यादें अपने साथ ला सकते हैं।
चिचम ब्रिज का प्रयोग करके आप किब्बर व लोसर विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पीति वैली में आप अगली जगह जो विजिट कर सकते हैं वो है लांगजा, कॉमिक, हिक्किम। यह तीनों एक सर्किट रूट पर बसे हुए हैं। यह रूट पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रूट है। इस रूट पर सबसे पहली जगह आती है लांगजा, जिसका डिस्टेंस चिचम ब्रिज से लगभग 32 किलोमीटर है। लांगजा विलेज को लिटिल पैराडाइज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विलेज की पॉपुलेशन लगभग 150 से भी कम है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर स्टेचू बना हुआ है और आसपास के नज़ारे मनमोहक हैं। लांगजा विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद आप कॉमिक विलेज विजिट कर सकते हैं। लांगजा से कॉमिक का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। लांगजा से कॉमिक विलेज की जर्नी पूरी स्पीति वैली की सबसे खूबसूरत होने वाली है। यहाँ रास्ते में आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा एलिवेशन पर ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ से आपको पूरी स्पीति वैली के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। कॉमिक गांव पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट गांव है, जो कि किसी मोटरेबल रोड से कनेक्ट है। कॉमिक को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलते हैं हिक्किम विलेज के लिए, जिसका डिस्टेंस कॉमिक से लगभग 10 किलोमीटर है। हिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, जिसके टॉप पर आपको लोगों के घर देखने को मिलेंगे। अपने मैनसीन के अलावा हिक्किम मेनली जिस चीज के लिए फेमस है वो है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। यह पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से आप अपने घर के एड्रेस पर एक पत्र अवश्य पोस्ट करें। हिक्किम वाली साइड से एग्जिट लेकर आप वापस काजा पहुँच जाते हैं। हिक्किम से काजा का डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है। यहाँ पर आप भोजन करके अपने होटल में आराम कर सकते हैं। यदि आप अपनी पर्सनल कार से यह ट्रिप करते हैं और उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो आप यहाँ से वापस शिमला वाली साइड से अपने घर लौट सकते हैं। और यदि आपके पास एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, तो आप मनाली वाली साइड से अपने घर जा सकते हैं, जिसमें आप प्रसिद्ध चंद्रताल लेक पर एक रात कैंपिंग कर सकते हैं, कुंजुम पास देख सकते हैं, फिर रोहतांग पास या अटल टनल से मनाली होते हुए अपने घर लौट सकते हैं। काजा से मनाली वाला रास्ता केवल जून से अक्टूबर तक ही खुला रहता है, और इसमें भी बरसात के समय यहाँ की वाटर क्रॉसिंग को पार करना काफी चैलेंजिंग होता है। यदि आप बस से अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो काजा से मनाली के लिए जून से अक्टूबर के मध्य HRTC की बस से भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, शिमला से काजा वाला रास्ता साल भर खुला रहता है, लेकिन सर्दी के मौसम में यहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है, जिससे यहाँ का तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है, और बरसात के दिनों में हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप यह ट्रिप अप्रैल से जुलाई के बीच करें। इस ट्रिप को आप दो लोग यदि बस से करना चाहते हैं और शिमला से यात्रा शुरू करते हैं और मनाली में समाप्त करते हैं, तो 10,000 से 12,000 रुपए में आराम से पूरा कर सकते हैं, जिसमें बस किराया, होटल, खाना, बाइक रेंट को ऐड किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने स्पीति वैली से जुड़ी हर एक जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंत में आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारे प्यारे भारत की खूबसूरती के बारे में जाना जा सके। आपकी यात्रा शुभ रहे।